बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के परिवार की मुश्किलें बढ़ चुकी है। शिल्पा शेट्टी की मां के खिलाफ जमानती वारंट जारी हो चुका है, जहां उनके पिता ने शिल्पा शेट्टी के पिता ने 21 लाख का कर्ज लिया था एक व्यवसायी से 2017 में, लेकिन वो कर्ज ये चुका नहीं पाए थे और इसी के चलते उस व्यवसायी ने शिल्पा शेट्टी के परिवार के खिलाफ पुलिस थाने में केस दर्ज किया था, जिसके बाद अब उनकी मां के खिलाफ जमानती वारंट जारी हो चुका है। आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी के पिता ने मरने से पहले 21 लाख रुपए का कर्ज लिया था और उन्होंने ये कर्ज जो है वो लौटाया नहीं था और उसी के चलते शिल्पा शेट्टी के परिवार पर आरोप लगा था। हालांकि तीनों पर, शिल्पा शेट्टी, उनकी बहन शमीरा शेट्टी और शिल्पा शेट्टी की मां पर आरोप लगा था, लेकिन अब कह सकते हैं दोनों ही बहनों को राहत मिल चुकी है। लेकिन शिल्पा शेट्टी की जो मां है उनकी मुश्किलें जो बढ़ चुकी है। जो व्यवसायी है उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि सुरेंद्र शेट्टी यानी शिल्पा शेट्टी के पिता ने 2017 में ब्याज के साथ उन्हें राशि का भुगतान करना था 21 लाख रुपए, जो कर्ज के साथ चुकाना था, लेकिन उन्होंने ये कर्ज चुकाया नहीं। उसके बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद जब व्यवसायी ने इनके परिवार वालों से, शिल्पा शेट्टी के परिवार वालों से इसके बारे में बातचीत की थी, तो उन्होंने कर्ज चुकाने से साफ साफ मना कर दिया था, जिसके चलते जो व्यवसायी है उन्होंने केस दर्ज किया था और उसी के चलते मेट्रोपॉलिटन, अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि अब शिल्पा शेट्टी की जो मां है उन्हें कभी गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जा चुका है।